मगरूर जो कहती है तो कहती रहे दुनिया, हम पलट के हर शख्स को देखा नहीं करते। अभी आपने जो वीडियो देखी आज के स्टूडियो में बताएंगे कि आप उस तरह की ट्रेंडिंग वीडियो के साथ ऐसी ट्रेंडिंग फोटो कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपको ये जानना है तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल सब्सक्राइब करो। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक ऐड करके रखा है, उस पे जैसे आप क्लिक करोगे आपकी सुविधा के लिए लिंक ऐड करके रखा है, यहाँ पे इस पेज पे आओगे। यहाँ पे फर्स्ट वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप इस वाले पेज पे आ जाओगे। यहाँ पर आपको ये विंग नेम वाले आर्टिकल पे क्लिक करना है। जैसे ये फर्स्ट वाली जो फोटो है आपको उस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको इसकी सारी चीजें मिल जाएगी देखने को। कहाँ पे मिलेंगी? ओपन होते ही आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाना है। इसमें आपको देखो फोटो के नीचे इसका प्रॉम्प्ट मैंने लगा कर रखा, उसके नीचे से आप उस इमेज को क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हैं, सभी को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कॉपी करते हैं। अब आपको इस ग्रीन कलर वाले बटन पे क्लिक करना है इमेज क्रिएट करने के लिए। तो आप इस वेबसाइट पे आओगे, यहाँ पे आप लॉगिन करके उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करना और इसमें आप नाम चेंज करना, जैसे आपका जो भी नाम हो यहाँ पे उस नाम को लगा देना और उसके बाद से क्रिएट पे क्लिक कर देना। क्लिक करते ही यहाँ पे कुछ टाइम में आपकी जो फोटोज है वो रेडी हो जाएंगे। जैसे देखो यहाँ पे हमारी फोटोज रेडी है। अब आप इन फोटोज को डाउनलोड कर सकते हो इजीली। सिंपल से किसी फोटो के ऊपर क्लिक करो, ओपन होगा, नीचे थ्री डॉट पे क्लिक करो, डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपको इसको वीडियो में कन्वर्ट करना है, उसके लिए वीएन एडिटर ओपन करो और न्यू प्रोजेक्ट पर जाके आपने जो फोटो डाउनलोड की थी उसको सेलेक्ट कर लो। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ऊपर आपको रेशियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे 9:16 सेलेक्ट करना है और जो फोटो है उसको डबल फिंगर से जूम आउट कर देना है। तो यहाँ पे आपकी फोटो कुछ इतनी साइज की हो जाएगी। नीचे आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा, उस पे जाना और यहाँ पे इमेज पे क्लिक कर देना। आपका जो बैकग्राउंड है ऑटोमेटिक ब्लर हो जाएगा और इस तरह से सेट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, जो वीडियो की लेंथ है उसको 6 सेकंड से ज्यादा रखना है और इसको फिर एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर आपको सिंपल एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करना और एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब देखो आपको ऐसे इफेक्ट के साथ वीडियो क्रिएट करनी है तो अभी हम जानते हैं ऐसे कैसे कर सकते हैं। सुपर वीपीएन प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना और इसको कनेक्ट करा लेना किसी भी सर्वर से। उसके बाद आप हमारी उसी पेज पे जाना जहाँ से आपने इमेज क्रिएट किया था। उसके नीचे मैंने यहाँ पे कैपकट टेम्पलेट का लिंक दिया है, उस पे क्लिक करना, वो आपको सीधे कैपकट एप्लीकेशन में ले जाएगा। ये वाला टेम्पलेट है, आपको नीचे यूज पे क्लिक करना है और वीडियो सेलेक्ट करनी है और उसके बाद से आपकी भी वीडियो ऐसी रेडी हो जाएगी और आप भी इस तरह आसानी से अपनी वीडियो क्रिएट कर सकते हो। ऑडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना ऑडियो।